नमस्कार दोस्तों कैसे हैं सब सरल जापानी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपका दोस्त चटर्जी आप सभी का स्वागत करता हूं जापानी भाषा सीखने के इस पाठमाला माला का आज सैतीसवा पाठ है जिसका विषय है लिंग परिचय यानी कि जेंडर अगर आपने पिछले 36 पाठों के वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारा सुझाव यही है कि आप उन्हें जरूर देखें ताकि सीखने की जो लड़ी है वो ना टूटे और एक सिस्टमेटिक तरीके से आप जापानी भाषा सीख सकें तो चलिए शुरू करते हैं आज का सैंतीसवा पाठ लिंग परिचय दोस्तों ये जो प्रतीक है ये जो सिंबल है इससे आप वाकिफ जरूर होंगे ये पर्सन रेडिकल है कांजी में और ये कहां से आया है देखिए ये जो इंसान का जो ये स्ट्रक्चर है उसी को ध्यान में रखकर ये आया है तो ये मानव या व्यक्ति की कांजी है जिसे पर्सन रेडिकल कहा जाता है जापानी में इसके लिए शब्द है हितो यानी कि मानव या व्यक्ति एक शब्द है जिन इस जिन का प्रयोग होता है जैसे नेशनलिटी यानी कि राष्ट्रीयता बताने के लिए जैसे उदाहरण के तौर पर निहोनजिन यानी कि जापानी व्यक्ति इंडोजिन भारतीय नागरिक इस तरह से जिन शब्द का प्रयोग इन क्षेत्र में होत इन क्षेत्रों में होता है एक और तीसरा शब्द है निन जिसमें जो एक काउंटर है जिसमें आदमियों की संख्या बताई जाती है जिसके जरिए तो इन तीनों शब्दों के लिए हितो जिन और नींद के लिए इसी कांजी का प्रयोग किया जाएगा लेकिन जिस जगह पे जिस शब्द का प्रयोग करना होगा उस शब्द का प्रयोग वहां पे होगा तो ये तो थी एक मौलिक कांजी व्यक्ति के लिए अब हम लिंग की ओर बढ़ते हैं लिंग क्या है लिंग की क्या परिभाषा है व्याकरण या भाषा की दृष्टि से जीव विज्ञान में लिंग से तात्पर्य उन लक्षणों से है जिनके द्वारा जीव जगत में नर को मादा से पृथक पहचाना जाता है ऐसे लक्षणों को लैंगिक लक्षण कहा जाता है पुरुष प्रजनन अंग के दो हिस्से होते हैं अंडकोश और पुरुषांग पुरुषांग को लिंग भी कहा जाता है हिंदू पुराण में सृष्टि के देवता महादेव की पूजा लिंग रूप में भी की जाती है तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो पहल, पहली जो पहली परिभाषा है वो है जिसमें हम पुरुष और स्त्री दोनों में भेद कर सकते हैं जिन लक्षणों से जिन गुणों से उसे लिंग कहा जाता है और एक दूसरा जो परि दूसरी जो परिभाषा है उसके हिसाब से जो पुरुष प्रजनन अंग है उसे लिंग कहा जाता है लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ है निशान हम सभी ये जानते हैं कि संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं तो जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति की जाति का पता लगाया जाता है यानी ये पता लगाना कि वो व्यक्ति पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का उसे लिंग कहा जाता है तो ये भाषा की दृष्टि से व्याकरण की दृष्टि से लिंग की परिभाषा हुई भाषा और व्याकरण की दृष्टि से लिंग किसी भी लिखित और मौखिक भाषा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हिंदी की ही तरह जापानी में भी लिंग समाया हुआ है हालांकि दोनों में कुछ अंतर है तो देखते हैं कि कैसा अंतर है हिंदी में किस तरह से हम लिंग का प्रयोग करते हैं वाक्यों में और जापानी में क्या होता है पुल्लिंग पुरुषों के लिए स्त्रीलिंग महिलाओं के लिए और नपुंसक लिंग निर्जीव वस्तुओं के लिए परंतु जब इन निर्जीव वस्तुओं और इनके शब्दों का किसी भी वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसका पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में विभेद किया जाना जरूरी हो जाता है जैसे उदाहरण के तौर पर दाढ़ी एक ऐसी चीज है जो स्त्रीलिंग के रूप में इसका प्रयोग होता है इसीलिए दाढ़ी बढ़ गई है इस तरह से हम कहते हैं दाढ़ी बढ़ गया है नहीं होता दाढ़ी बढ़ गई है यानी कि दाढ़ी शब्द का जब वाक्य में प्रयोग होता है तब यह स्त्रीलिंग में इसका विभेद होता है लेकिन जापानी में क्या है जापानी में भी तीन लिंग है पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग निर्जीव वस्तुओं के लिए नपुंसक लिंग लेकिन जापानी भाषा में निर्जीव वस्तुओं का किसी वाक्य में प्रयोग के समय लिंग आड़े नहीं आता यानी कि वो शब्द पुल्लिंग या स्त्रीलिंग ऐसा कुछ नहीं होता उसके लिए वो जेनरिक रहता है लिंग है यानी कि न्यूट्र जेंडर है तो वो उसी फॉर्म में रहेगा उससे उस वाक्य के लिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि जापानी में लिंग भेद कैसे किस तरह से होता है पुल्लिंग को जापानी में कहते हैं ओतोको ओतोको ये कांजी भी इस कांजी से भी आप परिचित होंगे पाठ संख्या 20 में हमने इस कांजी के बारे में विस्तार से जाना है तो ये पुल्लिंग की कांजी है पुरुष की कांजी है तो ये कांजी इन दो रेडिकल्स कांजी रेडिकल्स के योग से बना है ये पहला कांजी है धान के खेत का जिसे जापानी में ता कहते हैं और दूसरी कांजी है ये शक्ति या ऊर्जा के लिए जिसे जापानी में चिकारा कहते हैं तो धान के खेत धान का खेत और ताकत इन दोनों को मिलाकर ये कांजी बनी है जिसे ओतो को कहते हैं यानी कि पुरुष या पुल्लिंग इसी तरह से स्त्रीलिंग के लिए शब्द है ओन्ना और ये इसकी कांजी है ये कांजी हमने अभी तक नहीं सीखा है ये हम अपने कांजी के अगले पाठ में इससे हम शामिल करेंगे अभी के लिए आप इतना समझ लें कि ये महिला की कांजी है और ये जो चिन्ह है ये महिला के स्तन से डिराइव किया गया है तो किस तरह से आया है ये हम उस कांजी के पाठ में देखेंगे फिलहाल आप बस इसे इस तरह से विजुअलाइज कर लें कि ये कांजी पुरुष की कांजी है और ये कांजी महिला की कांजी है अब पुरुष वाली जो जो कांजी है, है वो हमें क्या बताता है? कि जो धान के खेतों में काम करता है जो बलशाली है और ऊर्जा यानी ताकत से परिपूर्ण है यानी कि जो पौरुष और मर्दानगी का प्रतीक है तो इस कांजी को देखते ही आपको ये प्रतीत होता है कि ये कोई ताकतवर इंसान है कोई ऐसा कोई ऐसा कोई व्यक्ति है या कोई इस तरह का कोई चीज है जिसमें काफी शक्ति है और इस तरह से देखिए ये चिन्ह को देखते ही लगता है कि इसमें ताकत कहीं ना कहीं छुपा हुआ है बल छुपा हुआ है तो इस वजह से ये कांजी पौरुष और मर्दानगी का प्रतीक है इसी तरह से स्त्रीलिंग में ओन्ना उपर्युक्त कांजी में एक महिला का स्तन दर्शाया गया है जिसे चीनी भाषा में स्त्रीलिंग का प्रतीक माना गया है जैसा कि हमने पिछले में भी बताया था लेकिन यह किस तरह से डिराइव हुआ वो हम कांजी के पाठ में आपको विस्तृत रूप से सिखाएंगे तो अभी के लिए बस इतना ही कि पुल्लिंग यानी ओतोको स्त्रीलिंग यानी ओन्ना या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं पुरुष ओतोको महिला ओन्ना और ये दो हैं इन दो की कांजी अब ओतोको और ओन्ना हमने सीखा अब पुरुष को जापानी में क्या कहेंगे यानी कि जो पुरुष व्यक्ति है उसे क्या कहेंगे तो पुल्लिंग प्लस व्यक्ति पुरुष ओतोको यानि कि पुल्लिंग हितो यानि कि व्यक्ति तो पुल्लिंग व्यक्ति ओतो तो हितो तो, तो देखिए यहाँ पे जो नो प्रत्यय है ये आ गया है जिससे हम आ, जो रिश्ता है वो समझाते हैं तो, तो, कोनो तो मतलब पुल्लिंग का व्यक्ति यानी कि मेल पर्सन या पुरुष व्यक्ति पुरुष इंसान ओतो तो कोनो हितो ओ तो हितो यानी कि मेल पर्सन पुल्लिंग व्यक्ति नर पुरुष या मर्द तो इस तरह से ओतोको हितो और ओतोकोनो हितो इसी तरह से महिला यानी कि स्त्रीलिंग प्लस व्यक्ति तो उन्ना हितो ओन्ना इस केस में ओन्ना हितो हो जाएगा यानी कि स्त्रीलिंग व्यक्ति या महिला स्त्री नारी या मादा तो ओतोकोनो हितो मर्द ही तो मादा अब हम पिता और माता का रूप देखते हैं पिता को कहते हैं ओतोसान तो देखिए ओतो को, ओतो को नो ही तो, अब ओतोसान। यानी कि ओतो जो शब्द है ये पुरुष के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए पिता में भी ओतो आ गया दोस्तों ये जो कांजी है ये पिता की कांजी है ओतोसान की कांजी है तो इस कांजी को देखकर आपके मन में किस तरह के ख्याल आ रहे हैं कि ये कांजी पिता की कांजी कैसे हो सकती है जरा सोचिए कि किस तरह से ये आप इसको विजुअलाइज कर रहे हैं और क्यों ये पिता की कांजी है बड़ा ही मजेदार है इसका जो एक्सप्लेनेशन है बच्चों के प्रति सख्त रुख यानी कि पिता के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बताए जा रहे हैं बच्चों के प्रति सख्त रुख रहा है और ये जो प्राचीन जापान में पिता की जो छवि है फादर का जो इमेज है वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट इंसान का इमेज है तो बच्चों के प्रति बहुत ही कड़ा रुख रहता था हमेशा गुस्से में और डांटने वाला जो इमेज है वैसा होता था भोंहें हमेशा तनी हुई ये देखिए भौहे जो है इस कांची में ये पिता की भौएं हैं यानी कि आईब्रोज हैं, जो देखिए तनी हुई हैं यानी कि वो गुस्से में है तलवार निकालने के लिए तैयार और ये जो दो स्ट्रोक्स हैं ये तलवारें हैं दो तलवार दर्शाए गए हैं कि ये अभी किसी ने बदमाशी की तो पिता ने निकाल लिया तलवार तो इस तरह से एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति के लिए ये कांजी निर्धारित की गई थी पिता के लिए भौ है तनी हुई और तलवार निकलने पे बिल्कुल मतलब इधर बच्चे ने कोई गड़बड़ी की और उधर पिता ने तलवार निकाल ली तो ये इमेज होता था प्राचीन जापान में पिता का लेकिन अभी जो है आज के जो पिता हैं, उनकी छवि बिल्कुल ही अलग है उनमें भी ममता है स्नेह है वात्सल्य है तो ये पौराणिक जो चलन था उसके हिसाब से ये कांजी बनाई गई थी ओतोसान की कांजी है ये पिता की कांजी अब देखते हैं माता की कांजी क्या है माता है ओकासान ओतोसान, ओकासान। ओकासान की कांजी है ये तो इस कांजी इन दोनों कांजी को हम आगे विस्तृत रूप से सीखेंगे कांजी के पाठ में लेकिन इस कांजी के बारे में हम अभी बस इतना आपको बता दें कि X3 आप देखिए ये जो है ये प्राचीन काल की पौराणिक कांजी है जो किसी ब्रोन्ज मेटल प्लेट में आविष्कार हुई थी एक स्त्री जो अपने बच्चे को अपना दूध पिला रही है तो यहाँ पे देखिए स्त्री के दो स्तन है जिनमें से दूध निकल रहा है और इसी को सिंबॉलिक वे में इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया था इस इस चिन्ह चिन्ह में, में और में भी ये दो स्तन दिखाए गए हैं और जो माँ है वो एक जैसे पलथी मार के बैठी है और अपने बच्चे को अपना दूध पिला रही है तो इस तरह से एक वात्सल्य रस एक ममता भरी जो अभिव्यक्ति है वो इस कांजी प्रतीक में झलक रही है तो इस तरह से देखिए क्या कॉन्ट्रास्ट है एक में पिता सख्त गुस्से वाला भौहें तनी हुई तलवार तने हुए और दूसरी तरफ है मां जो ममता से बड़े प्यार से अपने बच्चे को दूध पिला रही है ओ पिता ओका माता आइए अब कुछ वाक्यों पर नजर डालें और देखें कि वाक्यों में स्त्रीलिंग पुलिंग का किस तरह का असर होता है तरफ हमने पुलिंग का कॉलम रखा है और दाई तरफ स्त्रीलिंग का तो पहला वाक्य है मैं जापानी हूं तो मैं जापानी हूं अब इस वाक्य से यह नहीं पता चल रहा कि जो जापानी है वो लड़का है या लड़की है तो पुलिंग अगर लड़का हुआ तो वो कहेगा वाताशिवा निहोन जिंदेस वाताशिवा निहोन जिंदेस और स्त्रीलिंग में भी वही है वाता शिवा निहोन देश या देश जो भी है इसमें इंदोजिन का उदाहरण लिया गया है हालांकि पे मैं जापानी लिखा हुआ है लेकिन मैं भारतीय देश तो देखिए पे हिंदी में भी मैं न्यूटर जेंडर और वाताशी भी न्यूटर जेंडर यानी कि इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग की कोई बात नहीं है वाताशिवा निहोन जिंदस वाता शिवा देश लेकिन अब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप में कुछ और शब्द हैं जो मैं आ, के स्थान पर यानी कि वाताशी के स्थान पर जिनका प्रयोग किया जा सकता है इनमें एक है बोकू जो केवल लड़का कहेगा अपने लिए बोकू व निहोन जिंदेस यानी कि मैं जापानी हूं तो वाताशी की जगह में बोकू का प्रयोग किया गया है और इसका प्रयोग केवल पुरुष ही करेंगे केवल मर्द ही करेंगे एक और है ओरे व निहोन जिंदेस ये भी है मैं जापानी हूं फिर से केवल पुरुष लोग ही इसे कहेंगे इसका व्यवहार करेंगे इसका प्रयोग करेंगे और स्त्रीलिंग में इंदो एक शब्द है, आताशी जो वाताशी के जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है और केवल महिलाएं लड़कियां ही इस शब्द का प्रयोग कर सकती हैं आताशी व इंदोजिंद तो इस तरह से अगर हम इस इन चीजों को समराइज करें तो वाताशी का प्रयोग दोनों कर सकते हैं मर्द और महिलाएं लेकिन बोकू और ओरे का प्रयोग केवल मर्द करेंगे और आताशी का प्रयोग केवल औरतें करेंगी हम जापानी हैं यानी कि अब बहुवचन में आ गया है हम जापानी हैं या हम भारतीय हैं वाताशी ताची व देश वाताशी का जो बहुवचन है वो है वाताशिताची। तो इस वजह से हम जापानी है वाताशी ताचिवा निहोन जिंदेस वाताशी ताचिवा तो इसमें भी कोई जेंडर नहीं है न्यूटर जेंडर है स्त्रीलिंग पुलिंग नहीं है ये जेनरिक सेंस में कोई भी यानी कि मर्द भी कह सकता है और औरत भी कह सकती है वाताशी ताचिवा इंदोजिंदेस बोकू हम में मिला था मैं जापानी हूं मैं लड़कों के लिए बोकुरा व निहोन जिंदेस ये उसका बहुवचन रूप है यानी कि बोकु एक वचन रूप है और बोकुरा बहुवचन रूप है ओरेरा व निहन देश तो बोकु से बोके बोकुरा और ओरे से ओरेरा इसी तरह से uh, लेकिन स्त्रीलिंग में जो हमें आताशिवा व देश आताशी शब्द हमें मिला था वो ताशी ताची नहीं होगा वो वो बहुवचन में वो रूप है ही नहीं यानी औरते, कि औरतें महिलाएं केवल का प्रयोग ही कर सकती हैं हालांकि इनके अलावा भी और भी कई शब्द हैं लेकिन क्योंकि ये बिगिनर्स का कोर्स है इसलिए हमने इसे अधिक कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया है तो बोकुरा और ओरेरा बोकु और और ओरे ये बहुत ही प्रचलित शब्द हैं मैं के लिए इसलिए उनका उल्लेख हमने किया और इसी तरह से आताशी स्त्रीलिंग में और सबसे जो पॉपुलर है वो है वाताशी और वाताशी ताची अब वह जापानी है जैसे अंग्रेजी में हम कहते हैं कि ही, ही और शी का जो प्रयोग है ये वो वाला उदाहरण है ही इज जापानीज शी इज इंडियन या शी इज जापानीज तो वह पुरुष के लिए वह जापानी है और महिला के लिए वह जापानी है तो इसे हम कैसे लिखेंगे पुरुष के लिए लिखेंगे कारे व निहोन जिंदेस यानी कि वह जापानी है कारेवा निहोन जिंदेस और महिला के लिए हो जाएगा कानोजोवा व जिंदेस यानी कि शी इज एन इंडियन इसे हम कहेंगे कानोजोवा व इंदो जिंदेस तो पुरुष के लिए कारे यानी कि ही के लिए कारे और शी के लिए कानोजो कारे व निहोन जिंदेस कानोजोवा व जिंदेस और इसी का बहुवचन रूप है वे जापानी हैं या वे महिलाएं जापानी हैं कारेरा व निहोन देश कानो जोरा जिन, जिन देश तो कारे हो गया कारेरा कानो जो हो गया कानोजोरा तो ये बिल्कुल एक सिस्टमेटिक पैटर्न फॉलो कर रहा है आपको याद होगा वाताशी वाताशी ताची बोकू बोकुरा ओरे ओरेरा कारे कारेरा कानोजो कानोजोरा तो लेकिन जो कारेरा और कानोजोरा है ये थोड़ा सा इम्पोलाइट वर्जन है यानी कि अनौपचारिक है तो और भी अगर मतलब औपचारिक परिस्थितियों में कारेरा के स्थान पर कारे ताची शब्द का प्रयोग किया जाएगा और इसी तरह से कानोजोरा के जगह कानोजोताची ताची किया जाएगा जिस तरह से वाताशी वाताशी ताची वैसे ही कार्य कार्यताची और कानोजो कानोजो ताची तो इस तरह से पुलिंग और स्त्रीलिंग में भेद होता है जापानी में इनके अलावा भी और भी कुछ नियम होंगे कुछ विशिष्ट शब्द होंगे जिनके बारे में चर्चा हम आगे किसी पाठ में फिर करेंगे तो आज का पाठ बस इतना ही आज हमने लिंग परिचय सीखा और बिल्कुल मौलिक रूप से किस तरह से हम विभिन्न वाक्यों में लिंग का प्रयोग करेंगे इसके बारे में हमने आज एक प्रिलिमिनरी जानकारी प्राप्त की तो आशा है आपको इस पाठ में दी गई जानकारी समझ में आई होगी अगले पाठ अड़तीस में हम फिर से किसी नए विषय के साथ उपस्थित होंगे तब तक के लिए सुजय चटर्जी को अनुमति दीजिए नमस्कार धन्यवाद अरिगा तो गोजाइमस